वीडियो में हम लोग कबीर के पद के बारे में पढ़े थे और उसके विशेषता के साथ साथ जो पहला शब्द है आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कबीर के बारे में आपने देखा कि कबीर निर्गुण शाखा के संत थे, अर्थात निराकार ब्रह्म के उपासक थे, जो किसी रूप को मानता है उसके प्रति जो भक्ति भाव प्रदर्शित करता है वह साकार ब्रह्म का उपासक कहलाता है, और जो निराकार ब्रह्म को का साधक होता है, जो अपने अंदर उस ईश्वर के रूप के का स्वरूप का दर्शन करता है वह निराकार ब्रह्म का साधक कहा जाता है। तो कबीर ने अपने अंदर अब सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार किया था और ज्ञान की महिमा को प्रतिपादित की करने के साथ साथ गुरु के महत्व को रेखांकित किया था। तो उसमें आज हम उन दोहों की विशेषता के साथ साथ हम शब्द के बारे में भी पढ़ेंगे। पहला दोहा था, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अबोड़ी अनत न जाए। तो मैंने बताया आपको कि सधुकरी भाषा है, दोहा छंद है और प्रतीकात्मक शैली है। इसके साथ साथ है, हम देखेंगे इसमें कि मान सरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर, जब ये हम इसका विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसके साथ साथ केली कराई में कवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से सुभर शब्द है, उसमें श्लेष है। सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ, फिर सुभर का अर्थ होता है पवित्र, सुहर जल पवित्र जल। दूसरा जो दोहा है, प्रेमी ढूंढत में फिर वो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, यहाँ भी प्रतीकात्मक शैली है। और इसके साथ साथ है, प्रेमी शब्द के प्रवाह के कारण इस दोहे में प्रेमी शब्द के आवृत्ति से इस दोहे में प्रवाह मेहता आ गई है। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमाए। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि रूपक अलंकार है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल और स्वान रूप संसार है। तो यहाँ पर व्यंग, सांसारिक प्राणियों के ऊपर व्यंग किया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यंगपूर्ण उपमा अलंकार है। भूखन दे जखमाए, यहाँ पर मुहावरा के साथ साथ एक बहुत सुंदर प्रभावशाली चित्र उपस्थित करने की कोशिश है, बहुत सुंदर बिंब है, झुक झक मारनी मुहावरे का प्रयोग है। चौथा, पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं कि सोई संत सुजान, सौ वर्ण की आवृत्ति है, दंत सौ, सौ वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो पखा पखी ये सब यथा पक्ष विपक्ष आदि अक्षर शब्द हैं। आज पांचवा जो दोहा है, हिंदू मुआराम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जुविता जो दोहू दू के निकट न जाए। तो यहाँ पर भी जो शब्द है मुआ जीविता आदि शब्द, ये अक्षर शब्द हैं। कहे कवि कौवर्ण की आवृत्ति है, शरण उपरास अलंकार है और इसमें व्यंग शैली है। चट्टा, कावा फ्री काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कवि कवि राजीम। तो इस दृष्टि से इसमें तुकबंदी की गई है जो बहुत ही सुंदर है। और अंतिम जो है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करणी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरावरा साधु निंदा सोई। तो इसमें भी ये व्यंग है ऊंचे कुल के व्यक्तियों के ऊपर। बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने कि महान ऊंचा वही हो सकता है जिसके कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म महान हो। इसमें दृष्टांत अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है ऊंचे कुल के हीन व्यक्ति को, सुवर्ण कलश स्वर्ण पात्र में रखी हुई मदिरा से तुलना करके। तो इस तरह से आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द का मतलब पद होता है। ये जो पहला पद है
इसमें कबीरदास यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, ईश्वर सभी जगह मौजूद है और उनको खोजने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जो विभिन्न प्रकार के आडंबर है उसका कबीर विरोध करते हैं। और कबीर का यह मानना है, कबीर का यह कहना है कि उस प्रभु का दर्शन हम आत्मावलोकन के द्वारा ही कर सकते हैं, स्वयं को जानकर ही हम उस ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक आडंबर है उसका कबीरदास विरोध करते हैं और ईश्वर के बारे में यह बताने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर मौजूद हैं, सभी जीवात्मा में, सभी कण कण में वह व्याप्त है। हम व्यर्थ उसको ढूंढने के लिए बाहर की दुनिया में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, क्योंकि उसके वास्तविक रूप का हमको पता नहीं होता। कवि बताते हैं, कबीर के अनुसार उसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान वैराग्य धारण करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस संसार में रह कर के भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो उसको समझने की जरूरत है, आत्मावलोकन करने की जरूरत है और यही इस पद का मुख्य भाव है। कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कहता है कबीर कि मुझको ढूंढने के लिए तुम कहाँ भटक रहे हो, ढूंढते फिर रहे हो, जबकि मैं तो तेरे पास में हूँ, तुम्हारे नज़दीक हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। तो यहाँ पर ईश्वर के बारे में बताता है कि ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। यदि तुम अपने ऊपर से अज्ञान रूपी पर्दे को हटा दोगे, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ईश्वर तत्व के दर्शन तुम्हारे अंदर ही होंगे। आगे कहता है कभी कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, कहता है दोनों धर्मों के बारे में बता रहा है, हिंदू और मुस्लिम। ये जो दोनों लोग हैं, दोनों प्रकार के दोनों धर्मों के मानने वाले लोग हैं, वो देवालयों में, मस्जिदों में भटकते रहते हैं। कहता है ईश्वर कि ना मैं मंदिर में रहता हूँ और ना मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं कावे में मौजूद हूँ और न कैलाश पर हूँ। मुझे ढूंढने के लिए न कावे जाने की जरूरत है, न कैलाश जाने की जरूरत है, न मंदिर भर में भटकने की जरूरत है, न मस्जिद में तलाश करने की जरूरत है। अगली पंक्ति में कहते हैं, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग्य में। ये विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक कर्म कांड के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की कोशिश की जाती है उसके ऊपर विरोध करते हुए, उसके ऊपर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि मुझे प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्म, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही योग और वैराग्य धारण करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के वैराग्य के द्वारा हम चाहते हैं कि ईश्वर से हमारी मुलाकात हो जाए, कबीर का मानना है कि इसके द्वारा यह प्राप्त नहीं हो सकता है। ना तो मैं, ईश्वर कहते हैं कि, कबीर कहते हैं कि ईश्वर के अनुसार ना तो वह है किसी धार्मिक कर्मकांड में वह है और ना योग वैराग्य से उसको प्राप्त किया जा सकता है। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि खोजी हुए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहते हैं कबीरदास की यदि वास्तव में वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात यदि कोई वास्तव में सच्चा खोजी है, वह ईश्वर को के स्वरूप का दर्शन करना चाहता है, तो कहते हैं कि वह ईश्वर पल भर की तलाश में मिल जाएगा, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर मौजूद है। कभी कहे कभी सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में, कहते हैं कि इसके लिए यदि हम बाहर भटकना छोड़कर आत्मावलोकन करना शुरू कर दें, अपने अंदर उस ईश्वर के तत्व को ढूंढने की कोशिश करें, तो
हमें यह पता होगा कि हमारे इन सांसों के साथ वह उस ईश्वर का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन जिस सांस रूपी डोर से बंधा हुआ है वह ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो हमारे अंदर ही परमात्मा की सत्ता का वास्तव में साक्षात्कार संभव है। इसलिए वह कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो सज्जन प्रकृति के हैं, साधो प्रकृति के लोग हैं, जो वास्तव में पर ब्रह्म को पाना चाहते हैं, कहते हैं कि वह उसके लिए हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी और अपने अंदर ढूंढना होगा, तो हम उस परमात्मा की सत्ता का साक्षात्कार अपने अंदर कर सकते हैं। देखते हैं कि इसमें अनुप्रास का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। जैसे तो तेरे मैं मस्जिद कावे कैलाश, कौने क्रिया कर्म योग वैराग, तो तुरते मिले हूँ कहे कबीर, सब सांसों की सांस में इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसकी सभी पंक्तियों में स्वर मैत्री है। इस तरह से कबीर वास्तव में भाषा के डिक्टेटर थे और उनके ज्ञान और अनुभव से उनके जो पद हैं वो दो पद और दोहे ये साधारण होते हुए सरल होते हुए भी भावपूर्ण है, इसमें गंभीर अर्थ भरा हुआ है। और इस दृष्टि से हम इसका अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम दूसरा कोई पाठ के साथ फिर हम आप लोगों से मिलेंगे।